ये मैं अपने घर की कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ आपके साथ। ये यहाँ से ये सारा खाली हो गया है और ये इस बरसात की वजह से और साथ वाले प्लॉट से ये पानी आ रहा है, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड यहाँ पे हो रहा है बार बार। हटाओ भैया इसको, हटाओ जरा, सफ़ेद वाले को हटाओ। ये यहाँ से पानी जो है रिसता ही जा रहा है। और ये बिल्कुल खाली हो चुका है, यहाँ से पानी रिस के। कभी भी ये घर गिर सकता है। अब ये जो तरपाल है इसके पीछे से पानी आ रहा है और सारा इस तरफ बह रहा है। एक मिनट हो भैया, ये तरपाल के नीचे से इसका सोर्स है पानी का। अभी भी पानी यहाँ पे बह रहा है। अभी यही डिस्कशन हो रही है क्या किया जाए। ये सारा खाली हो चुका है। बहुत मुश्किल है इस समय। प्रशासन से जब कहा गया तो प्रशासन ये नोटिस चिपका गया है यहाँ पे। आज सारा दिन हम परेशान होते रहे, प्रशासन से मदद मांगते रहे और प्रशासन ने ये किया है, ये नोटिस लगा दिया है कि ये घर आपका मकान रहने लायक नहीं है तथा मकान ज़मीन गिरने से कभी भी गिर सकता है, अतः आपको सूचित किया जाता है कि मकान को खाली कर दें, अन्यथा किसी भी अनहोनी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। ये है हमारा प्रशासन। ये बिल्डिंग पे ये बस एक नोटिस लगा दिया गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस दीवार पे एक ये नोटिस चिपका दिया और प्रशासन की जिम्मेवारी खत्म। अब चाहे ये घर गिरे, चाहे इसमें लोग दब जाएं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ने ये बोर्ड लगा दिया है और उनकी जिम्मेवारी खत्म। मेरा भारत महान।